हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का फिजिक्स और हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को बहुत नाराज़गी होगी कि मैं बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्या करूँगा, मेरी व्यस्तता थी बहुत ज़्यादा और क्लासेस के वीडियोज़ थे, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम पास आ गया, आपके लिए सभी वीडियो फटाफट डाल के कोर्स आपका कंप्लीट कर दूंगा। कुछ मेरे स्टूडियो में काम भी चल रहा था, आप देख रहे होंगे, अब मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये सब अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम हो गया, तो अब सिलेबस बहुत थोड़ा है आप लोग का, ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश मीडियम का तो मैंने कोर्स ही कम्प्लीट कर दिया है पहले से, और अब हिंदी मीडियम का। तो इससे पहले मेरा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था विद्युत, फर्स्ट पार्ट, और लंबा गैप हो गया। हो सकता है आपने फर्स्ट पार्ट को बहुत पहले देखा होगा, तो आपको मेरा एक सजेशन है कि आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो उसके या तो इसको देखने के तुरंत बाद या उसको आप पहले देखें, क्योंकि उसके साथ तुरंत कनेक्ट होगा। एक बार मैं आपको डिस्कस कर दूं कि मैंने आपको उस वीडियो में धारा की परिभाषा, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। और उसका सेकंड पार्ट इमीडिएट डालना था, कुछ लेट हो गया, तो उसके आगे मैं आपकी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ और वो हमारा आज क्लास स्टार्ट होगा प्रतिरोधों के समूहन से। ओके, चलिए तो हम चलते हैं। और आप लोग के लिए ही मैंने डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट किया कि मैं क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा कर सकूँ, आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। तो अभी हमारा बोर्ड नया है, कुछ ही वीडियो हमने अभी इसमें बनाए हैं, थोड़ी सी आपको उस बोर्ड के कंपैरिजन में इस बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे लिए भी आप लोग के लिए भी नया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का समूहन। कॉम्बिनेशन ऑफ, थोड़ा सा इसमें राइटिंग मिक्स हो जाता है, कुछ दिन बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रतिरोधों का समूहन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। और इसमें पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। और चूंकि ये सिलेबस ट्वेल्थ क्लास में भी होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप टेंथ में ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे जाके आप जब ट्वेल्थ क्लास में इसकी पढ़ाई करेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो समूहन हम यहाँ पर दो प्रकार का पढ़ेंगे। पहला जो समूहन होता है वह पहला समूहन है श्रेणी समूहन, ठीक है। पहला श्रेणी समूहन, इंग्लिश बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग को इंग्लिश नाम को भी जानना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं सबको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि कम से कम साइंस में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, साइंस में उपयोग होने वाले शब्द, उनको इंग्लिश में आप जानो, क्योंकि आगे चल के आप नीट की या आईआईटी जेई की तैयारी करोगे तो बहुत से बुक्स, बहुत से क्वेश्चन आप लोग को इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आपको कम से कम टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक शब्दावली जो है वो इंग्लिश में पता होना चाहिए। मेरे चैनल में आप लोग को पता है कि मैं सब चीज़ों को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में बताते रहता हूँ, ठीक है। तो श्रेणी समूहन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, और श्रेणी समूहन में जो खास बात होती है वो आप नोट करके ध्यान में रखोगे, वो ये याद रखना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ आप नोट करके याद रखना, वो है कि इसमें धारा का जो मान होता है वह नियत होता है, यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब धारा का मान नियत होता है। अभी मैं आपको एक परिपथ बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हम एक के बाद एक बहुत से प्रतिरोधों को यदि हम जोड़ दें तो वहां पर जो हमारा कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होगा सब में समान होता है। यह सर्किट से मैं आपको बता दूँ पहले, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में अपन पढ़ लेते हैं इसका सर्किट परिपथ। पहले हम परिपथ पढ़ लेते हैं,
और परिपथ के बाद हम देखेंगे इसका एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये हम यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं, देखिए। और इस सर्किट में ये मैंने रेड कलर से जो बनाया वो सब प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, क्लियर। और यहाँ पर हमने लगाया है कुंजी के, और यहाँ पर एक लगाया है बैटरी। ओके, ये बैटरी एक लाइन बड़ी होगी, एक लाइन छोटी होगी, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस सर्किट में कुंजी को ऑन करेंगे और यहाँ से हम करंट सप्लाई करेंगे, मान लो करंट है आई। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, इसका रेजिस्टेंस आर थ्री है। तो ये जो करंट आप देख रहे हो, ये करंट यहाँ सप्लाई होगा और इसमें भी प्रवाहित होगा, इसमें भी प्रवाहित होगा, यहाँ भी प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि धारा का मान क्या है, नियत है, सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित हो रही है। अब मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध का जो विभव है वो V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। तो विभव क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, क्लियर। इस प्रकार से ये श्रेणी समूहन का परिपथ है। अब यहाँ पर यदि हम इसके प्रतिरोध की गणना करें, तो यहाँ पर देखो कुल जो विभव है, इसका जो कुल विभव होगा वो तीनों को योगफल के बराबर होगा। तो चूंकि इसका कुल विभव V=V2+V होगा, सपोज ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, किंतु हम ओम के नियम से जानते हैं कि V=  होता है I×R। इससे हम क्या लिख सकते हैं, V1=  लिख सकते हैं I×R1। I को I क्यों लिखा, क्योंकि I नियत है। तो पहले प्रतिरोध में विभव V1=I×R1 होगा, दूसरे में V2=  आएगा I×R2, और तीसरे में V3=  आएगा I×R3, क्लियर। अब इन मानों को यदि हम फर्स्ट में पुट अप कर दें, तो इसलिए x से यदि हम x में इस मान को भर दें, तो x में पुट करेंगे तो V का वैल्यू कितना है, I×R। ये हो जाएगा I×R=I×R1+I×R2+I×R3। दोनों तरफ से I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा R=R1+R2+R3। और ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया है, यही क्या है, प्रतिरोधों के समूहन के लिए इक्वेशन है। ये है प्रतिरोधों के समूहन का फार्मूला। इस प्रकार से आप देखो कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ओके, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी समूहन। तो ये है हमारा श्रेणी समूहन, बहुत आसान है। इसके न्यूमेरिकल्स मैं एक बार कोर्स कंप्लीट कर दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले हम एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के सीरीज चलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा श्रेणी समूहन। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं समांतर समूहन, दूसरा है समांतर समूहन। इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर समूहन। समांतर समूहन में विशेष बात क्या होती है कि समांतर समूहन में हम विभव नियत होता है, इसमें विभव नियत होता है, ये ध्यान रखना। समांतर समूहन में विभव नियत होता है, जैसे वहाँ पर मैंने बताया कि धारा नियत होता है, यहाँ पर विभव नियत होता है। अब इसका हम परिपथ बना दें तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा कि परिपथ बना दें, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से होता है। देखो तो समांतर समूहन में सपोज हमने ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों को हमने एक ही पॉइंट पर कनेक्ट किया है, ये इस तरह से, और यहाँ भी हमने तीनों प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इस सर्किट में हम एक कुंजी लगा दिए और बैटरी लगा दिए और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ओके। और इन प्रतिरोधों का जो मान है, ये सपोज R1 है, ये सपोज R2 है, ये सपोज R3 है। अब यहाँ से जो हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करेंगे, ये हमने I धारा प्रवाहित किया, तो ये धारा इस टर्मिनल पर जाके ये तीन अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा। तो सपोज इसमें से बहने वाली धारा I1 है, R2 से बहने वाली धारा I2 है, और R3 से बहने वाली धारा मान लो I3 है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, विभव नियत होता है। देख रहे हैं आपकी विभव टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों का विभव क्या होगा, भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर चूंकि तीनों में धारा अलग अलग है, इसलिए जब हम यहाँ पर जैसे वहाँ हमने कुल विभव निकाला था, यहाँ निकालेंगे कुल धारा। तो चूंकि कुल धारा I का मान तीन भागों में बंट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमने तीन भागों में उसको बांटा है, दैट इम्प्लाइज अब चूंकि हमको पता है कि V इक्वल टू I इंटू R होता है, इसको दे दो आप रिलेशन नंबर फर्स्ट, तो V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो यहाँ से हम I इक्वल टू therefore I इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। इस सूत्र की सहायता से यहाँ से हम चाहें तो I1 का मान निकाल सकते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1, क्यों, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, और उसी तरह से I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R2, और I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3, ओके। इन सभी मानों को एक में भर दें, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक से, तो I का मान कितना है, V अपान R इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, दोनों साइड से V कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको फार्मूला मिल जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, और हम समांतर समूहन करेंगे, तो जो प्रतिरोध है इस प्रकार से निकलेगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना, कि जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाए और समांतर में जोड़ा जाए, तो श्रेणी में उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो समांतर की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना। इसीलिए जब हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हम विद्युत परिपथ बनाते हैं, या घर में जब हम विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, तो उसको समांतर क्रम में करते हैं, क्योंकि समांतर क्रम करने से कई फायदा है, आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा उस पर। इस पर न्यूमेरिकल्स में कराऊँगा, इसके सर्किट कराऊँगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के वीडियो में अलग से डालूँगा, क्योंकि बीच बीच में पढ़ाने से डिस्टर्ब होता है, पहले मैं पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ, फिर आपको सेपरेट उसके वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा, ओके। तो ये हो गया समांतर समूहन, ठीक है। अब समांतर समूहन के बाद हम देखें कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो घरेलू बिजली होता है वो कैसे हम सर्किट करते हैं, ठीक है। तो सीधा लिख देता हूँ, घरेलू परिपथ मतलब डोमेस्टिक, घर में जो परिपथ जोड़ा जाता है वो परिपथ ध्यान रखना हमेशा यह समांतर क्रम में होता है, इसके कई तरह के सर्किट आपके बुक में मिलेंगे। एक सामान्य सर्किट से आपको मैं समझा दूं, देखो समांतर क्रम में करने से होता क्या है, मान लो मैं यहाँ पर एक परिपथ बनाऊं कि इस तरह से एक मेन वायर है,
ये इसको लाइव वायर बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल वायर है ये एन। तो जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, अपन इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन लेने के बाद मीटर में आता है, बहुत लंबा सर्किट है, 12th क्लास में पढ़ोगे। उसके बाद फिर हम अपने घर में जब वायरिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पर लाइव वायर मतलब इसमें धारा प्रवाहित होते रहती है, ठीक है, लाइव वायर में धारा प्रवाहित होती है, न्यूट्रल वायर होता है। ये दो वायर लेते हैं और किसी भी डिवाइस को हम वहाँ पर समांतर क्रम में वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर कोई डिवाइस लगाना है, टीवी चलाना है या बल्ब जलाना है या मेरे को कोई डिवाइस लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से लेंगे, क्लियर, और दूसरा वायर हम इससे लेंगे इस तरह से। तो एक लाइन वायर लेंगे, एक न्यूट्रल से लेंगे, यहाँ पर मुझे लेना है तो इस तरह से हम दोनों से करंट लेंगे, यहाँ पर डिवाइस लगाएंगे, यहाँ पर यदि मुझे लेना है तो यहाँ पर डिवाइस लगाएंगे, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइस लगाते हैं। और देखो ये पूरे डिवाइस क्या है, समांतर क्रम में है। ये क्या है, घरेलू बिजली को इस तरह से अपन करते हैं। इससे होता क्या है, ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि समांतर क्रम में क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध का मान होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। श्रेणी क्रम में किस तरह से करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक बल्ब लगाया, फिर यहाँ पर एक बल्ब लगाया, फिर यहाँ पर एक बल्ब लगाया, और सब में वायर क्या है, कॉमन है, तो होगा क्या, इसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और अंतिम में करंट कम हो जाएगा। पहले डिवाइस को बहुत करंट मिलेगा, बाद का डिवाइस को कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबको समान करंट मिलेगा, एक फायदा ये। दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे मान लो कभी कहीं कोई सर्किट खराब हो गया, मान लो यहाँ पर ये बल्ब का कोई स्विच खराब हो गया, यहाँ से सपोज ये सर्किट कोई टूट गया, कुछ ब्रेक हो गया, तो ये डिवाइस काम करना बंद कर देगा लेकिन बाकी डिवाइस काम करते रहेंगे। लेकिन यदि हम श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से मान लो दो तार हैं और एक में सब बल्ब लगे हैं, इसमें मान लो कहीं से सर्किट ब्रेक हो गया तो यहाँ से आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, आगे करंट प्रवाहित होगा ही नहीं। मतलब एक सर्किट के बीच के एक डिवाइस के खराब होने पर आगे के पूरे डिवाइस में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे साइंस के क्वेश्चन हैं इसमें धारा में। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि घर में जो बिजली घरेलू परिपथ जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वह किस क्रम में होता है तथा क्यों, या उसके क्या फ़ायदे हैं, छोटे से क्वेश्चन। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि घर में जो विद्युत फिटिंग की जाती है वह समांतर क्रम में होता है, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है, और समांतर क्रम में यदि एक डिवाइस खराब हो जाए तो आगे के डिवाइस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि श्रेणी क्रम में एक खराब होने पर आगे करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिसके कारण हम घर में इलेक्ट्रिसिटी को, बुक में और कई तरह का सर्किट दिया रहता है, बेसिकली वो सर्किट ऐसी होता है, क्योंकि सर्किट डायग्राम बहुत तरह के, भाई मैंने अपने घर में अलग ढंग से फिटिंग कराया, कोई दूसरे अलग ढंग से कराया थी, तो उसका तो फिजिकल, उसका जो फिजिकल अरेंजमेंट अलग तरीके से हो सकता है ना। तो सर्किट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, वहाँ से हम करंट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फिटिंग करते हैं। 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, मैं ज़्यादा जब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल पढ़ोगे, यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ों पर बात कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसी वीडियो को आप धारा विद्युत के वीडियो को मेरा 12th क्लास का देखोगे तो आपको लगे हम वहाँ कहाँ पढ़ रहे, तो आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक यूज़ के लिए सर्किट। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है शक्ति, पावर। शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति, विद्युत पावर, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पावर मतलब किसी भी चीज़ का पावर, हम आपको पता है इस तरह से पढ़ते हैं, पावर P इक्वल टू होता है W अपॉन T, मतलब कार्य करने की जो दर है या समय के सापेक्ष जो हम कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, उसकी शक्ति कहलाता है। तो P इक्वल टू W अपॉन T, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर हमको यहाँ पर पढ़ना है खाली शक्ति नहीं, यहाँ पर हमको विद्युत शक्ति पढ़ना है। तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है वाट, इसका मतलब होता है, मात्रक होता है वाट, वाट से हम इसको प्रदर्शित कर मात्रक को लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में बल्ब लगाया तो कितने वाट का है, तो 30 वाट का है, 20 वाट का है, 25 वाट का है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो कि यदि मैं ये मान लूँ कि समय इकाई है, यदि समय इकाई है या एक सेकंड है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, P इक्वल टू W होगा, और W क्या होता है, जूल होता है। W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो मान लो हमने किसी डिवाइस को, मान लो हमने किसी डिवाइस को एक सेकंड तक काम में लाया, तो जितना जूल वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या जितना जूल ऊर्जा वो खपत करेगा, खपत भी कर सकता है उत्सर्जित भी कर सकता है, वो क्या है, उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि P जो होता है तो इकाई समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और यदि हम दोनों को इकाई ले लें, यदि T इक्वल टू हम 1 सेकंड ले लें और W इक्वल टू 1 जूल ले लें, यदि हम W इक्वल टू 1 जूल ले लें तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर जो होता है 1 वाट हो जाता है। तब पावर को हम लिख सकते हैं 1 वाट। इसका मतलब 1 वाट का मतलब क्या हो गया, यदि हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 1 सेकंड तक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें या 1 सेकंड तक उसे वर्क कराएं और वह 1 जूल की ऊर्जा खपत करें, तब उसकी शक्ति क्या होती है, 1 वाट होती है। जैसे मान लो मेरे घर में 60 वाट का बल्ब मैंने लगाया, तो इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड तक यदि हम उसको विद्युत देंगे तो वह बल्ब 60 जूल की ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, या कोई डिवाइस दूसरा डिवाइस है तो वह 60 जूल की ऊर्जा खपत करेगा, व्यय करेगा। ये कहलाता है इसका मात्रक। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखना कि 786 वाट इसका 746, ठीक है, 746 वाट को वैज्ञानिकों ने 1 हार्स पावर कहा, 1 HP। ठीक है, 746 वाट को हम क्या करते हैं, 1 हार्स पावर कहते हैं। मतलब यदि 746 वाट हो हमारे पास 746, तो उसको हम 1 वाट के 1 हार्स पावर के बराबर मानते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कुछ अन्य फार्मूला, मतलब पावर को हम और कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। देखो, तो चूंकि आपको याद है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, यहाँ से मैं W का मान निकालूँ तो W इक्वल टू V इंटू Q होगा, दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू V और Q इक्वल टू होता है I इंटू T, क्योंकि धारा I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ये आपको पता है। तो हम पावर को, इसको कार्य को V इंटू I इंटू T लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम W के जगह में उस वैल्यू को पुट अप करें तो हमको ये फार्मूला किस रूप में मिल जाएगा, तब पावर इक्वल टू हमको मिल जाएगा V इंटू I इंटू T अपॉन T। क्लियर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से TT कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू मिल जाएगा V इंटू I। और यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है पावर का, कि विद्युत में इससे ज़्यादा ये फार्मूला यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि पावर मतलब उसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उस परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित होगी उस धारा और उसके विभवांतर या विभव के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो शक्ति होती है उसके विभव और उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम चाहें तो इसको और कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो अब ओम के नियम से, ठीक है, बट अपने को पता है कि V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो यहाँ से देयरफॉर अब देखो हम पावर को और कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये V को यदि मैं I इंटू R से ट्रांसफ़र कर दूँ तो P इक्वल टू, यहाँ पर V के जगह मैं लिखूँगा I इंटू R, ये लिखूँगा, और इंटू I पहले से है तो दैट इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, I स्क्वायर इंटू R। तो पावर का एक फार्मूला ये भी होता है कि पावर इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू R, ये तथा इसके बाद और चाहे हम तो P इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमने V को हटाया था, V को रहने दें और I को हटा दें तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन R, तो दैट इक्वल टू ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। इस प्रकार से हम देखें तो पावर का धारा, विभव और प्रतिरोध तीनों के रूप में हम इस प्रकार से फार्मूला को कई रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आप यह याद रखोगे, दूसरा फार्मूला ये भी याद रखोगे, और तीसरा फार्मूला आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इसका जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो पावर को आप कई तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, अब इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट मतलब होता है व्यापारिक, इसका जो यूनिट होता है वो व्यापारिक यूनिट होता है किलोवाट आवर। क्लियर, किलोवाट आवर,
यहीं पर मैं लिख देता हूं आपको, फिर अलग से उसके लिए पेज यूज नहीं कर रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे इसका उसमी प्रभाव। यहां पर लिख कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ये होता है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। जैसे घर की बिजली में हम खपत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमको जो बिल देता है, रीडिंग देता है, वो किलो वाट आवर में यूज़ होता है। और किलो वाट आवर का मतलब होता है किलो वाट, किलो वाट का मतलब क्या हो जाएगा, किलो वाट मतलब थाउजेंड, और आवर को सेकंड में अपन चेंज करें तो 60 into 60, ठीक है, ये मिनट फिर उसको आवर, तो ये 36,000, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स 3.6 into 10 to the power 6, इतने हम वाट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये किलो वाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट है, इससे बिजली की खपत यूज़ की जाती है यूनिट के हिसाब से। इस पर न्यूमेरिकल्स, जब न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आपको भी एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी दे दिया कि कमर्शियल यूनिट मतलब होता है घरेलू बिजली या व्यापारिक रूप से जो बिजली की खपत को यूज कैलकुलेट किया जाता है वो किलो वाट आवर से किया जाता है, ठीक है। तो यह कहलाता है, वन आवर को यदि हम यूज़ करें तो वन आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में तो फिर 60, माने 36,000 का गुणा करेंगे 3600 का, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶, ठीक है, सेकंड। तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको सूत्र याद रखना है, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला। इस फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, P = V × I, P = W/T, तो इसका बेसिक फार्मूला है, इससे ये चेंज होते हैं। ये है हमारा पावर। और अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, और वो है इसका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब होता है इसका तापी प्रभाव। लिखना है इसमें, हिंदी राइटिंग बहुत कठिन है इस बोर्ड में, क्योंकि हिंदी के जो लेटर हैं वो बहुत ज़्यादा मिले होते हैं। विद्युत का तापीय प्रभाव, क्लियर, हिंदी में अपन कहेंगे उसको हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या होता है, आपने देखा होगा या घर देखा क्या होगा, घर में रोज आप यूज़ कर रहे हैं, ठंड का टाइम है, आप गीज़र यूज़ कर रहे हैं, हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि घर में हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं उसमें बहुत से डिवाइस ऐसे हैं जिनको हम यदि धारा प्रवाहित करें, विद्युत दें, तो उसको वो हीट में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे हीटर है, हीटर में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हीटर उसको क्या करता है, ताप में, मतलब उसको ऊष्मा में बदल देता है। या मान लो हमारा गीजर है या कोई भी आप समझ गए बल्ब का फिलामेंट है, तो यहाँ पर यह देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन पर धारा प्रवाहित करने पर वह उसको ऊष्मा में बदल देता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में
और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा पावर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा आगे। अब हम इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है धारा का तापीय प्रभाव। धारा का तापीय प्रभाव में हम उसके उष्मीय प्रभाव को पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग को पता है कि ये धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, हम लोग घर में जब घरेलू यूज़ के लिए कुछ डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, वो गर्म हो जाता है। जैसे हीटर है, गीजर है, रूम हीटर है, जितने तरह के भी हीटर हम घर में यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि धारा प्रवाहित करने पर वो हमको हीट देता है, उष्मा देता है। लेकिन और डिवाइस हम नहीं देते हैं। फैन को अपन करंट देंगे तो गर्म नहीं होगा, घूमेगा। एसी को करंट देंगे तो ठंडा करेगा। मतलब करंट का देखो कैसा बिहेवियर है। यहाँ पर हमको पढ़ना है उसका हीटिंग इफेक्ट, धारा का तापीय प्रभाव। और तापीय प्रभाव देखो, आपको याद होगा कि हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा तो आपको बताया था कि हीट जो होता है वह रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना अधिक प्रतिरोध होगा उसमें उष्मा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होने पर, यह आपको पता होगा, मैंने आपको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पर आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आपको ये सब बताया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जब धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी तापीय, हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब तापी अवयव में, जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है, ये कुछ ऐसे हाई रेजिस्टेंस के वायर हैं जिनमें धारा प्रवाहित करने पर उनको उष्मा में बदल देता है। इसके लिए जूल ने प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, तो जूल्स लॉ, जूल ने जो नियम दिया और उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करें जो उष्मा उत्पन्न होगा, वो तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला उन्होंने बताया कि उत्पन्न जो उष्मा है वह प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी भी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो उसमें जो उष्मा उत्पन्न होगा वह उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा, एच प्रपोर्शनल टू आर, ये उसमें जो उष्मा उत्पन्न होगा वह उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगा। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि H प्रोपोर्शनल टू T होगा। ये तीन चीज़ों पर वो निर्भर करेगा और तीनों को यदि हम मिला दें तो हीट का जो वैल्यू होता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T के बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज यदि हम यहाँ पर समानुपातिक नियतांक को इकाई ले लें तो H इक्वल टू हम I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना। ये है धारा का तापीय प्रभाव, मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उष्मा का उत्पन्न होना। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्यूज वायर, फ्यूज तार, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, फ्यूज वायर। आपने देखा होगा कि घर में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, घर में विद्युत उपकरण यूज़ करते हैं, सब में हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ का क्या काम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गया तो फ्यूज उड़ जाता है हमारा डिवाइस, है ना। हम लोग कॉमन बात है कि घर का फ्यूज उड़ गया, मेन स्विच उड़ गया, किसी डिवाइस का फ्यूज उड़ गया, तो ये फ्यूज़ हम लगा के रखते क्यों हैं। वास्तव में फ्यूज तार होता क्या है, फ्यूज तार की दो सबसे बड़ी विशेषता है। पहली विशेषता है उसकी कि फ्यूज वायर जो होता है वह उच्च प्रतिरोध का तार होता है। ये दो विशेषता को कभी नहीं भूलना, उच्च प्रतिरोध का तार, और दूसरी उसकी विशेषता होती है वह निम्न गलनांक का होता है। निम्न गलनांक मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका खासियत है कि उच्च प्रतिरोध का होगा और निम्न गलनांक का तार होता है। इससे होता क्या है, उच्च प्रतिरोध का होने के कारण आपको यहाँ पर देख रहे हो कि प्रतिरोध जब उच्च होता है तो उसका हीट भी ज़्यादा होता है।
कहने का मतलब उच्च प्रतिरोध का तार रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तुरंत, और चूंकि इसका गलनांक निम्न हुआ होता है तो गल जाता है। ये हम सर्किट में यूज़ किस प्रकार से करते हैं, देखो इसको मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये मान लो हमारा कोई उपकरण है, ये हमारा कोई उपकरण है और इस उपकरण को हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है करंट, ये इसका न्यूट्रल वायर है और ये इसका सपोज फेस वायर है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि फ्यूज वायर को हमेशा हम फेस वायर में उपयोग करते हैं, ये फेस वायर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो फ्यूज वायर को हम इसी में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ फ्यूज़ वायर, ये है वाइट कलर से बनाया, ये फ्यूज़ है, एक रेजिस्टेंस वायर, ये फ्यूज़ है। अब इसमें होगा क्या, देखो ये फेस वायर में लगा है और ये हमारा डिवाइस है, मान लो टीवी है, कंप्यूटर है, कुछ भी है। अब इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है और हमने फ्यूज वायर यहाँ पर लगा के रखा है, किसी कारण से हाई वोल्टेज हो गया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही ज़्यादा करंट आ गया, आंधी तूफान का तार शॉर्ट हो गया, डबल फेस हो गया, किसी भी प्रकार से यदि हमारा वोल्टेज हाई हो गया तो हाई वोल्टेज होने पर होगा क्या कि ये जो फ्यूज़ वायर है, ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, चूंकि उच्च प्रतिरोध का है तो ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर जैसे ही वो गर्म होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा पा गया तो जैसे ही गर्म होगा तो चूंकि निम्न गलनांक का है तो गर्म होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। गर्म होके ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेल्ट होगा यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होगा तो डिवाइस सुरक्षित हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, ये परीक्षा में एक नंबर दो नंबर का छोटा सा दो नंबर का प्रश्न पूछता है आपको, फ्यूज वायर किसे कहते हैं, उपयोग लिखो। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक के तार को फ्यूज तार कहते हैं, इसे किसी परिपथ में हमेशा लाइव वायर के साथ, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसको लाइव वायर बोलते हैं, में जोड़ा जाता है। और क्या लिखोगे कि यदि किसी कारण से धारा का मान बढ़ जाए या उच्च विभव हो जाए तो चूंकि यह उच्च प्रतिरोध का तार होता है तो गर्म होकर गल जाता है, जिसके कारण हमारा सर्किट क्या होता है या उपकरण सुरक्षित रहता है। तो ये हमने पढ़ा धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ पर हम ये धारा के चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है, बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरा धारा का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आप परेशान मत होना, न्यूमेरिकल्स के मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार मैं कोर्स को कम्प्लीट कर दूँ, ऐसा भी मैं बहुत लेट में वीडियो बनाया लेकिन अब आपको जल्दी मिलेगा, आपका ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ट्वेल्थ का सिलेबस मैंने पूरा कर दिया, दो लेक्चर मेरा बचा है, पहले पूरा मैं फोकस होकर ट्वेल्थ का कर रहा था, टेंथ का भी पूरा हो जाएगा और इलेवंथ नाइन्थ तो चल रहा है, वो होम एग्जामिनेशन है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलते हैं, क्या लेके, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, थैंक यू।